अरे नहीं नहीं रुको, इंट्रो और थंबनेल पे देखा, बिल्कुल सही देखा है आपने। नॉर्ड का वो हाल हो रखा है, बट क्यों हुआ और किस रीजन से ये हाल हुआ वो हम आगे पे जाते हैं, इस रिव्यू पे कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ वन प्लस नॉर्ड के साथ हमारे, जो मतलब ये सब चल रहा है। सच कहूँ तो इसको लिए अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स हो गए एंड मैंने इसका वीडियो शूट किया था, बट 3 दिन के यूसेज के बाद मेरे को ये वीडियो डालने लायक ही नहीं लगा। मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू वीडियो ही बनाते हैं। एंड यस, 2 महीने हो चुके हैं हमारे इस वन प्लस नॉर्ड को लिए को, एंड 1 महीने ही चलाइए एंड 1 महीने के बाद ही कुछ इसके साथ ऐसा कांड हो गया। तो यही सब डिस्कस भी करना है कि क्यों और क्या रीज़न हुआ एंड आपको ये वन प्लस नॉर्ड लेना चाहिए या नहीं, तो ये बातें हम आगे करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक ऑर्गेनिक। हाँ, सो बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन प्लस नॉर्ड के डिज़ाइन की। डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में मुझे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगा, एक अच्छा लगा, मतलब जो मेरा हैंड है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा, मतलब सिंगल हैंडेड भी मैं इसे इजीली यूज़ कर सकता हूँ, नॉट डैट मच, बट येस कुछ जो मेन फीचर्स है कॉलिंग एंड ऑल, ये सभी चीज़ों फीचर्स जो नीचे रहते हैं, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड वेट की बात करूँ तो सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये, 187 ग्राम का है, जो कि ठीक है क्योंकि इसमें जो साइड की जो चेसी है ना, ये एल्यूमिनियम नहीं है। आपने अगर 2 महीने पहले कौन है वो जेरी रिग एवरीथिंग उनका देखा होगा, तो ये प्लास्टिक है। सो थैंक्स टू जेरी रिग एवरीथिंग जींस की वजह से हमें पता चल सका ये प्लास्टिक है। एंड थोड़ा वेट का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहीं अगर मैं दूसरे फ़ोन की बात करूँ तो 195 या 200 ग्राम के करीब ये फ़ोन होता। अगर मैं अपने वन प्लस 60 की बात करूँ तो मतलब वो उसके इक्विवेलेंट है ये। अब इस वन प्लस नॉर्ड की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, मतलब मैंने भी उस हाइप के चक्कर में ये ले लिया था वन प्लस नॉर्ड, बट जब मैंने ये चीज़ लिया तो सच कहूँ तो हाइप बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। अब ये भी धीरे धीरे हम आगे एक्सपोज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की मैंने बात कर ली, ऑल ओवर मुझे काफ़ी सही लगा, साइड में वही एज इट इज़ वॉल्यूम लॉकर है, पावर लॉक बटन है, वॉल्यूम अप डाउन बटन है, जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क करते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है इनमें। और इसमें ड्यूल माइक है, सिंगल स्पीकर है इसमें एंड टाइप सी है, और इसमें कोई भी ऑडियो जैक जो नहीं है, ठीक है। एंड फ्रंट की तरफ इसमें 2 कैमरा दे रखे हैं, 32 और 8 मेगापिक्सल कैमरा, 32 है अपना मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और पीछे वाला मेन है अपना 48, बाकी 8-5 वो छोटे मोटे चलते रहते हैं, वाइड एंगल, पोर्ट्रेट और मैक्रो, ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। तो ये छोटे मोटे, इनकी भी हम आगे बात करेंगे, बट हाँ इसमें जो 48 का जो कैमरा है, मतलब मेन कैमरा जो है वो OIS के साथ आता है, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन ये काफ़ी सही है इसमें, वो भी हम कैमरा का अभी आगे चलेंगे, ठीक है। सो ये तो था ऑल ओवर ओवरव्यू। तो बॉडी को अगर मैं इसको नंबर दूँ तो इसकी बॉडी को मैं 5 में से 3 नंबर देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर इसके चेसी की वजह से कट जाते हैं। इसकी जो चेसी है ना, ये प्लास्टिक है, यही रीज़न था जो आपने शुरू में देखा कि फ़ोन में प्रॉब्लम आई है। मे भी ये हो सकता है क्योंकि कमज़ोरी की निशानी तो है ना ये। सो अगर ये एल्यूमिनियम होता तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता, बट जो था वो था, इन्होंने बजट सेक्शन में आने की कोशिश की थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस कट किया था। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में प्राइस कट किया, जिस रीज़न से हम लोगों को भुगतना पड़ा। एंड पर्सनली कहूँ तो मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, अगर आप भी वन प्लस नोट लेने की सोच रहे हो तो मत लो, ठीक है। आप कुछ पैसे और डालकर कुछ अच्छा था वन प्लस का, कोई अच्छा था वन प्लस 7T 7 8 ऐसा कोई फ़ोन ले लो, या फिर अदर कंपनीज पे चले जाना, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है इसमें, काफ़ी ज़्यादा सही मुझे डिस्प्ले लगी इसमें, 90Hz का इसमें फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले, तो ऐसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड जो इसमें ड्यूल पंच होल कैमरा है ना लेफ्ट साइड पे, वो वैसे तो वॉलपेपर जो उन्होंने शुरू में लगा रखा था उसकी वजह से वो चीज़ पता नहीं चलती है, बट व्हेन वी आर चेंजिंग वॉलपेपर्स तो ये सो काफ़ी ज़्यादा इजीली विजिबल होता है हमें कि हाँ यार वो दिख रहा है ऊपर काला। बट जो इसमें जितने भी वॉलपेपर्स हैं ना, वो सभी के सभी आपको मैक्सिमम यही, मतलब उन वॉलपेपर्स में आपको सरेआम दिखेगा कि यस ऊपर की तरफ जो है 2 डॉट कैमराज हैं। सो वो लिटिल बिट कभी कभी अनॉय लगता है आपको, अगर आपने S Note 10 Plus जो है सैमसंग का उस तरह से कुछ सोचते हो तो ये अच्छा है। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है डिज़ाइन के लिए, मेरे को सच कहूँ तो जो पॉपअप कैमरा था वो अच्छा लगा, और सिंगल पंच होल कैमरा वो फिर भी ठीक लगा, ये ड्यूल तक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस डाउन रहा है। सो इस टोटली मतलब सब्जेक्टिव है ये डिज़ाइन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू डैट। तो यार हमने इसकी 2 बातें कर ली, बॉडी की और ओवरव्यू की। तो बॉडी में तो ये कमज़ोर है, जिस रीज़न से मेरे फ़ोन की ये हालत हुई है,
कि मेरे को लिटरली डिस्प्ले चेंज करवानी पड़ गई है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर इसका डिस्प्ले है। वन प्लस भी काफ़ी ज़्यादा चालाक है इस चीज़ के लिए, वो भी हम आगे बताएंगे। सो कैमरा रिव्यू पे अगर हम आते हैं, सो नाउ कमिंग टू द कैमरा सेक्शन, तो पहले सेल्फी की बात कर लेते हैं। 32+8 मेगापिक्सल कैमरा। सो 32 मेगापिक्सल में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये एक सेल्फी लिया था मैंने, एंड जैसा इनका हाइप था कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो यस फ्रंट कैमरा उतना अट्रैक्टिव था। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी इन्होंने फोटो खींची है उसमें। एंड वहीं जब मैं इसको वाइड एंगल पे शिफ्ट कर लेते हैं 8 मेगापिक्सल, तो यहाँ पर काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग में भी पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है पीछे की तरफ को, ठीक है। एंड वहीं हेयर एंड फेस को अगर आप देखें, तो वहीं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस जो आ जाती है। वहीं मैं पिछले जो 32 मेगापिक्सल से फोटो लिया था उसकी बात करूँ, तो इसमें एक एक डिटेलिंग है, बट वही मैं अगर नॉर्मल शॉट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है इसमें। बट वहीं जब जैसे ही ये वाइड एंगल पे शिफ्ट होता है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस जो आ जाती है। सो ये सेल्फी कैमरा के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। एंड वहीं जब हम रेयर कैमरा पे आते हैं, तो रेयर कैमरा पे ये नॉर्मल से ही शॉट लिया, मतलब नॉर्मल हमारा जो इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है ये उससे शॉट लिया है। तो ये डिटेलिंग वाइज काफ़ी सही है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी सही है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, पता नहीं क्यों ये स्क्रीन के साथ ये थोड़ा सा कैच नहीं कर पाया इस हाथ को, बट अगर आप पूरा टेडी बियर था वो देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो स्मूथ कर रखा है। एंड ये एक और शॉट लिया मैंने वाइड एंगल पे, सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सही से एज डिटेक्शन। वहीं हम आगे आते हैं, आगे भी मैंने एक और कुछ शॉट्स लिए थे इसके, एंड ये एक मैंने वाइड एंगल शॉट लिया था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें कलर डिफरेंस, जैसे ही मतलब आप कैमरा शिफ्ट करते हैं इसमें कलर जो डिफरेंस है वो एकदम से ही बदल जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब जितना इन्होंने हाइप क्रिएट किया था ना कैमरा के लिए, उतना ये वर्थ नहीं था। पर्सनली कह रहा हूँ, मतलब कैमरा के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इन्होंने। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वाइड एंगल शॉट, नॉर्मल शॉट, एंड है ये जूम शॉट। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कलर का, आपको थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब ये थोड़ा सा चॉकलेटी लगा। मतलब कैमरा मेरा वही है, बस जो कैमरा में वाइड एंगल यही सब मैंने शिफ्ट किया, एक जगह कैमरा रखे, तो आपको टोटली कलर डिफरेंस जो है वो दिख रहा होगा। तो यस, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। अब आ जाते हैं इसके मैक्रो शॉट पे। मैक्रो शॉट मैंने लेने की कोशिश की, तो ये कुछ इस तरह का आया, मुझे नहीं समझ आया मैक्रो क्या लिया इसमें। एंड ये भी एक मैंने मैक्रो शॉट लिया, तो नेचुरल कलर तो भूल ही जाओ, काफ़ी ज़्यादा डल कलर जो इसने कर दिए। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन था ये, और इसने मैक्रो शॉट में तो बिल्कुल ही डल कर दिया। इट्स लाइक मैक्रो कैमरा इज जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी कि हाँ चार कैमरा देने हैं, तो इसलिए ये दे दिया। तो यहाँ पर ये इसके साथ ये किया गया है इस नॉर्ड के साथ। एंड यहाँ पर ये मैंने गेंदे का फूल था, इसकी एक मैंने मैक्रो शॉट लेने की कोशिश की, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इस फूल का। और ऐसा नहीं है कि ये हिल रहा था फूल, काफ़ी ज़्यादा स्टिल था, बट ये मैक्रो शॉट में बिल्कुल भी नहीं ले पाया। एंड अगेन एक ये नॉर्मल कैमरा से मैंने आउटडोर शॉट लिया, ठीक है, जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है। सो इट्स लाइक कलर तो है ही नहीं है, कलर सारा ही उड़ा दिया उसने। मतलब ये भी आप लाइट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, बट वो मज़ा नहीं आया लिटरली कहूँ तो। अब यहाँ पर एक वीडियो आप देख सकते हैं, ये एक स्लो मोशन वीडियो, तो ये स्लो मोशन वीडियो ने इस कैमरा की लाज रख ली, एंड काफ़ी सही लगा मुझे ये वाला वीडियो, इसका स्लो मोशन वाला वीडियो। वेल ये इसका 32 मेगापिक्सल कैमरा, एंड आई थिंक ये व्लॉगिंग के लिए सही है। एंड इसमें मेन डिसएडवांटेज है कि ड्यूरिंग जब वीडियो चल रही है तो आप वाइड एंगल वगैरह पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। लाइक अभी मेरे को स्टॉप करके वीडियो को वाइड एंगल पर शिफ्ट करके फिर दोबारा वीडियो शुरू करना होगा। इस लाइक इस मेरे को मतलब वीडियो को स्टॉप करना पड़ा एंड देन दोबारा अगेन स्टार्ट करना पड़ा। आई थिंक वाइड एंगल की वजह से थोड़ा व्लॉगिंग कैमरा बन जाता है। सो यस, इफ़ यू आर गोइंग टू व्लॉग देन आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ मटेरियल फॉर यू। बाकी रेस्ट क्वालिटी आपको पता चली जाएगी, आपको देखिए किस तरह की है। ओवर द सन पे है, मतलब हाँ आउटसाइड पे है, तो अगर यहाँ पे भी अगर आपको क्लैरिटी में फ़र्क दिखता है तो इट मीन्स अच्छी नहीं है। इससे ज़्यादा लाइटिंग, एक नेचुरल लाइटिंग से अच्छी लाइटिंग कहाँ आ सकती है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
अब बात कर लेते हैं इसकी OIS की, जो कि इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा। अब पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी में इतना खास नहीं लग रहा हूँ मैं, बट स्टिल जो है मतलब हाई क्वालिटी पे सेट किया हुआ है। बट अगर आप OIS को देखें तो यस काफ़ी सही है। एंड कैमरा के लिए आपको एक लाइन में सजेशन दूंगा, अगर आपको ये फ़ोन कैमरा के लिए चाहिए मतलब ठीक है, मतलब इस फ़ोन को, क्योंकि मुझे कमी लगी इस फ़ोन में यार कुछ भी मतलब है। मतलब ये पहला फ़ोन है मेरी लाइफ का जो मैंने लेकर ये सोचा कि मैंने क्यों लिया। मैं OnePlus का लिटरली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे पर्सनली OnePlus काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट स्टिल मतलब इस OnePlus Nord ने मुझे डिसअपॉइंट किया। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई एनी OnePlus मोबाइल इन फ्यूचर जो बजट लेवल के, जो मतलब लो लेवल के 10-12-25 हज़ार वाले, जो मिड रेंज वाले हैं, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि OnePlus शायद उस चीज़ में नहीं कुछ कर रहा है, मतलब कोशिश नहीं कर रहा है। सो अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट टेस्ट बताऊं तो ये फिंगरप्रिंट टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सही लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। एक बार में खुल जाता है ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। एंड वहीं फेस अनलॉक की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, फेस अनलॉक देखिए थोड़ा सा डिले रहता है, मतलब लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तो सही रहता है। बाकी हाँ मतलब जो फेस अनलॉक है वो लाइटिंग पे डिपेंड करता है इसमें बेसिकली, क्योंकि कैमरा उतना एक्यूरेट नहीं है ना, उतना हाई लेवल का नहीं है। मतलब जैसे इन्होंने एडवर्टाइज़ किया था कि यस फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है इसमें, उस लेवल का कैमरा इन्होंने इसमें नहीं डाला है। वहीं अगर मैं OnePlus 6T की बात करूँ, OnePlus 8 Pro की बात करूँ, तो वो तो भाई साहब फटाफट डिटेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। मतलब मेरा OnePlus 6T, OnePlus 7 और OnePlus 8, ये तीन मोबाइल मैंने OnePlus के जो फ्लैगशिप है वो यूज़ किए हैं, एंड लिटरली माइंड ब्लोइंग क्या चलते हैं वो। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फ्लैगशिप लेवल से की हैं इस फ़ोन से, बट स्टिल ये OnePlus ने खुद कहा था कि इसका जो फ्लैगशिप लेवल का सिर्फ प्रोसेसर नहीं है, बाकी सब फ्लैगशिप लेवल का देंगे हम। ऐसे ही OnePlus ने खुद हाइप क्रिएट की थी, तो यस इट्स नॉट मी, इट्स OnePlus जो उन्होंने इतना हाइप क्रिएट किया, बट उस लेवल का हमें दे नहीं पाए। ठीक है, आते हैं आपका जो थंबनेल और इंट्रो देखकर आप आए हो, ये क्या हुआ। अब अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं इसको, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक दो हेयर लाइंस आपको अंदर की तरफ दिख रही होंगी, मैं कोशिश करूंगा आपको वो दिखें। ठीक है, वो दो अंदर की तरफ हेयर लाइंस है, वो स्क्रीन अंदर से टूटी है, बाहर से नहीं टूटी है। ये बाहर से ये काफ़ी ज़्यादा सही है, ये मतलब एक भी स्क्रैच नहीं है ऊपर, एक भी स्क्रैच नहीं है। एंड मैंने नॉर्मल सा ही टेम्पर ग्लास चढ़ाया था, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि OnePlus का ये फ़ोन अंदर से अपने आप ही टूट गया। आई डोंट नो, मेरे से तो गिरा भी नहीं, पॉकेट में रहता था। एंड वेन आई विजिटेड टू OnePlus, मतलब सभी सेंटर विजिट किया मैंने, सो व्हाट दे सेड, पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सर ये प्रेशर से आपसे टूट गया है। सो मैंने कहा यार इतना कमज़ोर फ़ोन एंड प्रेशर से टूटा भी है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, अंदर से कैसे टूट गया? तो बोले कि ऊपर वाला सर फ्लेक्सिबल है, मतलब स्क्रीन इनकी फ्लेक्सिबल नहीं है, इट्स लाइक इसको पॉकेट में डालना भी एक गुनाह हो गया। मतलब मुझे नहीं समझ आया क्यों, क्योंकि टेम्पर्ड तक लगा हुआ था ऊपर, इतना कितना की जेब में एक प्रेशर लग गया कि इनका स्क्रीन ही टूट गया, एंड दे टोटली डिक्लाइंड इट। और हाँ, मैंने उनको बोला कि यार दिखाओ कहाँ पे, फर्स्टली तो मुझे भी नहीं दिख रहा था, एंड देन दे शोड सम लाइट्स एंड ऑल, एंड दे शोड मी दो कोई हेयर लाइन क्रैक्स थे जो स्क्रीन के अंदर थे। उन्होंने कहा कि सर आपने चाबी के साथ इसको रखा है एंड ये इस रीज़न से ऐसे हुआ है। सो मैंने इमीडिएटली उनको अपने दोनों फ़ोन दिखाए, OnePlus 6T, OnePlus 8 Pro। मैंने कहा यार ये भी मैं पिछले मतलब OnePlus 6T 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये 8 Pro अभी लिया है, इनमें तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और 8 Pro के बाद मैंने ये लिया तो ये मतलब पहली बार जेब में चाबी से टूट गया, इतना कमज़ोर फ़ोन आप लोगों ने बनाया है। सो दे टोटली डिक्लाइंड इट। एंड मैंने को लगा कि यार वेबसाइट पे मैं जाता हूँ एक बार इनकी की वारंटी में क्या क्या क्लेम है, और उन्होंने भी काफ़ी क्लियरली मैंशन किया था कि प्रेशर डैमेज से भी अगर फ़ोन टूटा है। अब मैं तो क्लेम नहीं कर सकता था कि किस तरह का प्रेशर लगा है, मैं नहीं बता सकता था उन्हें, और ना ही मुझे वो बता सकते थे, बट उन्होंने कहा कि प्रेशर डैमेज से एक फ़ोन टूटा है, सो हम इस फ़ोन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो इट कॉस्ट मी अराउंड 7800 की डिस्प्ले, बट सारे टेक्स्ट बुक्स डाल के उनको
8 to 42 रुपीज़ की मेरे को इसकी वन प्लस नॉट की डिस्प्ले पड़ी है। एंड वन प्लस नॉट की डिस्प्ले में अगर आप नॉर्मल एक देसी लेवल मतलब बाहर से जब आप डिस्प्ले डलवाओगे तो ओनली आपकी डिस्प्ले डालेंगे, बट आप इसमें यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा चेसी के साथ ही चेंज कर दिया गया है डिस्प्ले। तो शायद इसी रीज़न से इसकी इतनी महंगी डिस्प्ले है, 8,242 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पीछे की तरफ वो सारे सिम ट्रे एंड ऑल सब कुछ इसमें ही है, बटन वगैरह सब कुछ इसमें ही, बट पीछे का जो मदरबोर्ड है, जो कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें पुरानी ही लगी हैं। बाकी स्क्रीन के साथ ये जो बैक चेसी के साथ पूरा वो उठा के नया डाल दिया गया है। सो वन प्लस नॉट लेने के बाद मेरे माइंड में ये आया कि 28,000 का फ़ोन और 8,000 रुपये का वो, तो कितना हो गया, 36,000 रुपये तो हो गया। अब 36,000 रुपये का तो मुझे वन प्लस 7T मिल जाता, 38,000 का था 2,000 रुपीस बैंक डिस्काउंट, और वो भी 8+256 GB वाला वेरिएंट, तो उतने के ही अगर मुझे खर्चने हैं, मतलब इतने अगर लग ही गए हैं मेरे, तो मैं वन प्लस 7T लेता। तो इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू सेव योर मनी, डोंट गो फॉर द वन प्लस नॉट। ऐसा नहीं है कि यार 8,000 भी तो लगाने पड़ेंगे, मतलब आप सोचो कि यार 8,000 कौन लगाएगा ऊपर, बट भाई जब फ़ोन टूटेगा ना आपका, तब आपको ना चाहते हुए भी 8,000 लगाने पड़ेंगे, तब आप यही सोचोगे मेरी तरह कि काश मैंने वन प्लस नॉट नहीं लिया होता। वन प्लस फ्लैगशिप किसी पे भी जाओ, इस पे नहीं। मैं जानता हूँ ये फ़ोन 5G है, मैं जानता हूँ काफ़ी सही नेटवर्क स्पीड दे रहा था ये, मतलब एक नॉर्मल 4G फ़ोन पे अगर आप कोई भी डाउनलोडिंग करोगे तो आपको 3 या 4 MBPS होगा, ठीक है। वहीं अगर आप सेम नेटवर्क के साथ इसमें करोगे तो वहीं आपको 10 से 20 MBPS की स्पीड जो देता है एट द सेम टाइम। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया है इसमें, इस साइमल्टेनियसली मैंने सेम चीज़ डाउनलोड की दोनों फ़ोन्स में सेम नेटवर्क पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नॉट जिन्होंने भी लिया है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि यस इसका 5G नेटवर्क की वजह से, मतलब 5G नेटवर्क नहीं, 5G नेटवर्क एंटीना बैंड्स की वजह से, उस रीज़न से इसके 4G जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इससे। सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ दिखा रहा हूँ इससे। सो ऑल ओवर अगर मुझे इसको फ़ोन को रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 5 में से 2.5 रेटिंग देता हूँ। काफ़ी सही था अगर ये टूटता नहीं ना फ़ोन, मतलब उस चीज़ से अगर मेरा टूट सकता तो यार आप लोगों का भी टूट सकता है फ़ोन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस को ये प्रॉब्लम आई है, एंड अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ यार कमेंट्स में बताओ। वन प्लस को पता तो चले कि यार उनके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, एंड अगर आपने वन प्लस ले लिया है, नॉट ले लिया है मतलब, तो उससे बचा कैसे जाए। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहले तो मैंने एक देसी सा मतलब 100 रुपये वाला टेम्पर्ड लगाया था, अब इसका 990 रुपीज़ का मैंने ये टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया है वन प्लस नॉट का, इसका भी वीडियो आप देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कुछ दिनों बाद देख रहे हो वीडियो को, और अगर आप आज ही देख रहे हो तो कुछ दिनों में 1 या 2 दिन में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस तरह इसको अप्लाई करना है और क्या फिटिंग रहेगी इसकी एंड क्या समथिंग। बट स्टिल वन प्लस का जो ऑफिशियल ग्लास होता है ना, ये जो ऊपर वाला ग्लास होता है, इससे भी मतलब इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, इतना इक्वलेंट स्ट्रॉन्ग होता है, एंड उसमें ये काफ़ी सही फ्लो वगैरह मिलता है आपको। मेरे वन प्लस 6T में ये सेम ग्लास लगा है, वो अलग बात है, मैंने 2 साल में ये मेरा दूसरा ग्लास है, क्योंकि मेरे से फ़ोन लिटरली गिर गया था, तो ये इतनी भयानक तरीके से गिरा था कि फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये ग्लास ही टूटा था। तो यस मेरे को ऑफिशियल ग्लास लगाना सही रहता है, मेरे को ये था कि यार उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वो लगाना है तो है ही था। सो उस वीडियो के लिए भी ट्यून रहने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको पता चले कि जैसी वो वीडियो डाली है मैंने, और आपको पता चले ये लेने लायक है या नहीं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप भी मेरे जैसे हो और वन प्लस नॉट आप लोगों ने ले लिया है, आई रिकमेंड 8,000 रुपये या मतलब 8,500 रुपये खर्चने से अच्छा है ये ग्लास मंगवा लो, इसका वीडियो देख लो, और मैं आपको बताऊँगा कि वैसे तो ये 1,000 रुपये का है, बट हाउ यू गेट दिस एट 800 रुपीज़, ये आपको मैं बताऊँगा। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, 200 रुपये डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है, मतलब 20% डिस्काउंट दिलवाऊंगा मैं आपको। कीप ट्यून टू माई चैनल, थैंक यू सो मच आपने हमारे को ये ऐसा मोबाइल दिया जो जेब में ही टूट गया, एंड आप प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो वन प्लस वालों, आई डोंट थिंक ये वन प्लस वाले देख रहे होंगे क्योंकि मैं उतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट तो यार ये जा सकता है वीडियो, ठीक है। लाइक करो इसको, कमेंट करो, मतलब जितना ज़्यादा एंगेजमेंट दे सकते हो वीडियो को दो, सो दैट ये थोड़ा बहुत उठे एंड वन प्लस तक पहुँचे। आपको अगर लगता है कि इसको ट्विटर में शेयर करना चाहिए, कहीं पर भी शेयर करना चाहिए, करो, मुझे कोई इशू नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वन प्लस के साथ इतना बुरा रहा है, अदरवाइज मेरा आज तक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वन प्लस की तरफ से, क्योंकि वन प्लस एक ऐसा सर्विस सेंटर जो मैंने आज तक विजिट किया है, जब भी आप जाओगे वन प्लस का सर्विस सेंटर हमेशा आपको 1 या 2 जने ही मिलेंगे, खाली रहता है एक तरह से, आपको मतलब इंस्टेंट सर्विस आपको मिलती है, ठीक है। एंड जब मैंने इसका डिस्प्ले डलवाने जब मैं गया था ना, तो सर्विस की बात मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्प्ले डलवाने गया था मैं, जस्ट देखकर आया
एंड विद इन 2 आवर्स दे कॉल मी, सर आपका फ़ोन हो चुका है, आप ले जाइए। 2 घंटे के अंदर उन्होंने फ़ोन दे दिया था। यहाँ तक मतलब सैमसंग भी इतनी फास्ट सर्विस नहीं दे पाता आज के टाइम में, वो भी 1 वीक लगाता है आपके एक फ़ोन को ठीक करने के लिए। एप्पल भी नहीं देता, इवन एप्पल का जो मेरा आईपैड है जिससे ये वीडियो बन रहा है, उस एप्पल आईपैड की भी 3 बार मेरी डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है और 3 बार दे टुक अराउंड 1 वीक टू रिप्लेस माई आईपैड, क्योंकि उनमें कहते हैं कि डिस्प्ले चेंज नहीं होती है। बट वो एक डिफरेंट मैटर है। मतलब बात यह है कि यस, वन प्लस की सर्विस अच्छी है, बट यार ये फ़ोन अच्छा होता तो 5 में से 2.5 नंबर की जगह मैं इसको 5 में से एटलीस्ट 4 नंबर तो दे देता, 1 नंबर कैमरे का काट लेता। बट स्टिल जो भी है अब यही है गए। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, आप कमेंट्स में पूछो, इंस्टाग्राम पे DM करो, फॉलो भी कर देना अगर DM करोगे तो, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपकी तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। सो यही थी 2 महीने की हिस्ट्री मेरी OnePlus Nord के साथ, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। फर्स्ट एवर फोन फ्रॉम OnePlus जिसके लिए मैं कह सकता हूँ वाई डिड आई बाय इट, मैंने ये लिया ही क्यों। बट चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो हो गया। सो यही छोटा सा वीडियो था मेरा इसके लिए, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8,000 रुपये का नुकसान हुआ है मेरा, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बट इतना तो हेल्प कर सकते हो कि नीचे सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोगों को, इतना ही हेल्प करना आप लोगों का मेरा बस। 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 10 रुपीज फॉर मी। बस आप इतनी डोनेशन कर दो 1 सब्सक्राइब लाइक और कमेंट की, मेरे लिए उतना बहुत है, मैं चला लूँगा काम, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए ग्रेट डे गाइज़।